नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ट्रेलर आने के बाद से ही विवादों में है। इस फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक आने की खबर आई थी। देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर छा गई। अब फिल्म का पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें मोदी के रूप में एक्टर विवेक ओबराय नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को सरबजीत और मैरी कॉम जैसी बायोपिक बना चुके उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले फिल्म ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर डिटेल्स जारी किए थे और फिल्म को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट पैदा हो गई थी। फिल्म के पोस्टर को 23 भाषाओं में रिलीज किया गया है। पोस्टर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिलीज किया है। फिल्म की टैगलाइन है, देशभक्ति ही मेरी शक्ति है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पहले ही फिल्म प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि अब सबकी नजर पीएम नरेंद्र मोदी की इस बायोपिक पर बन रही है, क्योंकि इसमें उनके जीवन की कई घटनाओं को दिखाया जाएगा और इस पर विरोधियों की भी नजर रहेगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की नैया पार 2019 में सिर्फ फिल्मों से होगी? सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।